हाय मृणाल, वेलकम टू एबीपी न्यूज। तो चलिए मृणाल से बात करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है मृणाल की जब आपको पता चला कि रश्मि और अरहान के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आप काफी परेशान हो गए थे एंड यू वांटेड टू गो इनसाइड द बिग बॉस हाउस, इज इट ट्रू? या एक्चुअली इट वाज ट्रू बिकॉज़ आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट माय सिस्टर इज गोइंग थ्रू एंड आई वाज फीलिंग वेरी बैड दैट शी इज अलोन इनसाइड द हाउस एंड आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और मुझे जहाँ तक पता था कि अरहान और रश्मि आर गुड फ्रेंड्स, बट द वर्ल्ड इज क्लेमिंग दैट दे आर इनटू अ रिलेशनशिप एंड नो, वर्ल्ड इज नॉट क्लेमिंग, रश्मि हरसेल्फ, रश्मि एंड अरहान बोथ कन्फेस दे लव ईच अदर, बट दैट्स व्हाट आई व्हेन आई आस्क्ड हर दैट टाइम शी सेड दैट देयर इज नथिंग लाइक दैट, सो फॉर मी एज वेल एज इट इज अ शॉकर, सो आई वुड वांट टू टॉक टू हर इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, वी हैव हर्ड दैट आप मेकर्स को भी अप्रोच कर रहे थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जी हाँ, मेकर्स को मैंने एक बार अप्रोच किया था कि जस्ट वांटेड टू मीट रश्मि ऑफ द कैम, नॉट ऑन कैम और ऑन द शो, सो द बेसिक पर्पस वाज नॉट टू गो ऑन द शो बट जस्ट मीट माय सिस्टर फॉर 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड। तो फैमिली एपिसोड हर बार होता है बिग बॉस में, तो मौका मिलेगा तो जाएंगे आप? डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं ऑफ द कैम जाना चाहता हूँ, नॉट ऑन कैम। चलिए, पूछने की जरूरत नहीं है कि बिग बॉस के घर में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, हम सबको पता है, आप अपनी बहन को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन गेम सबसे अच्छा आपको किसका लगता है? मेरे ख्याल से आरती अच्छा गेम खेल रही है। आरती आरती को नॉर्मली लोग वीक कह रहे हैं, लग रहा है आपको वीक है वो? वीक आई डोंट नो, मतलब जितना मैंने देखा है मुझे लग रहा है आरती बहुत सेफ गेम खेल रही है एंड शी इज स्ट्रेटेजाइजिंग वेरी वेल, तो वीक लग रही है मेरे ख्याल से, लेकिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आएगी बार। शो के हाईलाइट इस बार थ्रू आउट सोशल मीडिया पर भी अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो ही सिद्धार्थ शुक्ला, तो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में क्या राय है आपकी और आपकी बहन के साथ उनके पंगे, वो भी वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं अब तो? पता नहीं किस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, इसके पीछे क्या एग्जैक्ट स्टोरी है नहीं पता है, हम वही देख रहे हैं, हम उसी से एंटरटेन हो रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल स्टोरी क्या है हम में से किसी को भी नहीं पता जो घर के बाहर है। तो जब तक एक बार रश्मि से बात नहीं करूँ कि ये सिचुएशन कैसे हुई, क्या हो रहा है, क्यों इतने झगड़े हो रहे हैं तुम्हारे और क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टीवी पे जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, उसके पीछे भी कोई वजह होगी। अगर मैं टीवी फ्रेटर्निटी की बात करूं तो अभी मेरी काम्या, बिंदु एंड अ सेक्शन ऑफ टीवी एक्टर्स, दे ऑल आर सपोर्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला एंड कॉलिंग रश्मि वीक, तो हाउ डू यू सी द सिचुएशन? सी, एवरीबॉडी हैज देयर ओन चॉइसेस टू सपोर्ट देयर कैंडिडेट, देयर फ्रेंड्स, सो देयर इज नथिंग अगेंस्ट देम इफ दे आर सेइंग दैट रश्मि इज वीक, समबडी माइट बी सेइंग दैट सिद्धार्थ इज अ बैड गाय, so for them everybody is just voting for their favorite contestants and their friends, so for me it's only Rashmi and Rashmi ko weak keh rahe just because she cries, she's a woman, that's why she's crying, that's why people are saying that she's weak, but that's not the fact, she has emotions and she has feelings and I think so uske character pe jab baat aayi to kisi bhi ladki ko hurt hoga, so that's the real her, so करंट सिचुएशन की बात करूँ तो काफ़ी वल्नरेबल लग रही है रश्मि, अरहान के साथ जो अरहान को एक्सपोज किया सलमान ने, दैट इज अनदर केस, और जो उनका और सिद्धार्थ का डे वन से होते आ रहा है, दैट इज अनदर थिंग, तो रश्मि काफ़ी वीक इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन उनकी एक क्वालिटी जो आप बताना चाहेंगे जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला? देखिए, वो वीक साउंड कर रही है लेकिन वो अपने आप को कंपोज कर रही है एंड शी विल गेट बैक एंड आई थिंक सो शी इज जस्ट गेटिंग होल्ड ऑफ हरसेल्फ, शी इज कंपोजिंग हरसेल्फ and preparing her mind that okay, situations like that come in and she is a fighter, she will fight back and she will come out as a winner. अरहान के बारे में आपने कहा कि आपको पता नहीं था, तो क्या कभी रश्मि ने अरहान का जिक्र नहीं किया? देखिए, अरहान का जिक्र हुआ था, उसका अच्छा दोस्त है ये बताया गया था मुझे, लेकिन उसके अलावा कभी हमारी इस बारे में बात नहीं हुई, मुझे जो भी पता चला है वो नेशनल टेलीविजन से पता चला है, तो जब तक मैं रश्मि से बात नहीं करूँ मुझे पता नहीं चलेगा कि ये बात मुझसे छुपाई गई थी या क्या था, तो ये थोड़ा रुकना पड़ेगा। बट सलमान ने भी रश्मि को वार्न किया, फिर गौरव रश्मि के ब्रदर वो अंदर गए, उन्होंने सच्चाई का आईना दिखाया, लेकिन ज्यादा लग नहीं रहा कि रश्मि को फर्क पड़ रहा है, तो आपके समझाने से लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा रश्मि को या वो डिटरमाइंड मन बना चुकी है अपना अरहान को लेकर? देखिए, मुझे जब एक बार उससे बात करने का मौका चाहिए, आई थिंक सो एक बार मैं अगर बात करूंगा तो मुझे थोड़ा सा रश्मि के दिल में क्या चल रहा है वो समझ में आएगा, तो एक बार उससे बात करूंगा
तभी मैं किसी डिसीजन पे उसे ला पाऊंगा, या वो क्या फील कर रही है या क्या समझ रही है मैं उसकी समझ को समझ पाऊंगा। ओके, चलिए रश्मि की तीन क्वालिटीज बताइए जिससे आपको लगता है कि शी इज अ विनर क्वालिटी, बिग बॉस जीत सकती हैं वो अपनी इन तीन क्वालिटीज की वजह से। रश्मि की वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज है, बट अ वेरी स्ट्रांग वुमन, शी नोज द सिचुएशन, शी विल फेस इट, शी विल, अगर आप उसे तोड़ने का भी कोशिश करोगे तो भी टूटेगी नहीं, शी इज अनब्रेकेबल एंड सच का सामना करेगी। ABP News आपको रखे आगे।